हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं ये श्रग। तो पहले पेपर पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, फुल लेंथ इसकी है 15 इंचेस। तो मैंने ये ऊपर का पार्ट 20 में कंप्लीट किया है। एंड फर्स्ट रफल हमारा आएगा 17 एंड सेकंड रफल 13। तो मैंने छोटा किया है, थोड़ा स्मॉल लिया है। और इसमें प्लस 1 इंचेस करना है हमें। सब में 1 इंचेस हमारा सिलाई मार्जिन का होगा। तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं पहले। साड़ी पिन से सिक्योर कर लेते हैं अच्छी तरह। अब देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया। इसमें हमें शोल्डर लेना है, शोल्डर का मेजरमेंट। तो ये मेरा 13 आ रहा है। तो 13 का हाफ होता है 6.5 एंड हाफ इंचेस हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इधर मेरा 7 मैंने लिया है। तो ये हमें आर्म होल के लिए 7.5 पे सीधी लाइन लेनी है और ऊपर से हमें हाफ इंचेस डाउन करते हुए। एंड अभी हमें चेस्ट 32 है, तो 32 का हाफ होता है 8 और इसमें प्लस हम 1.5 इंचेस करेंगे तो हमारा 9.5 आएगा। तो मैंने 9.5 लिया है। एंड मुझे जैकेट का की लंबाई चाहिए 21 और मैंने ये 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। तो मेरा 22 हो गया। तो हमें सिर्फ क्रॉस सेप दे दिया मैंने। एंड हमें यहाँ से 1 इंचेस लेते हुए और फिर यहाँ से 4 इंचेस हमें क्रॉस सेप देते हुए इसे कट कर लेना है। देखिए, तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसे हमें एक पल्ला निकालते हुए एक साइड का, ये हमारा आगे का है। तो हमें लंबाई, गले की लंबाई ज़्यादा चाहिए। तो ये मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से कर्व सेप देते हुए एंड इसे मैंने कट कर लेना है हमें। फिर हमें बीच में से इसे कट कर लेना है क्योंकि हमारा आगे का साइड ओपन है। इसलिए ये देखिए, पहले ये फ्रंट और बैक को ऐसे रख लेते हैं और इसकी शोल्डर हमें स्टिच करनी है 1/2 इंचेस पे। तो ये मैंने कर लिया है। इसे देखिए ऐसे 1 फोल्ड करते हुए। और ये मैंने स्लीव बनाई है। ये आप बनाते हैं, आपको पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, लिंक मैंने डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमें 5 इंचेस मार्क करना है। ऐसे हमें सीधी लाइन ले लेनी है और ये हमें इस पर अटैच कर लेना है। तो पहले पिनअप कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, हमारे 5 इंचेस यहाँ से मैंने छोड़ा है जो फोल्ड साइड है। अब यहाँ से 1/2 इंचेस ऊपर की तरफ रखते हुए मार्क कर लेना है। यहाँ से हमें 1.5 इंचेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो सिलाई मार्जिन का हमारा। तो ये मैंने 1.5 इंचेस लिया है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है।
पहले इसे हमें ओपन कर लेना है। तो ये देखिए हमारी ऐसे कटिंग, हमें सिर्फ एक साइड ऐसे रखते हुए और ये पेपर को ऐसे खोल लेना है, और यहाँ से जहाँ से हमने मार्क किया था ये देखिए ऐसे थोड़ा सा हमें अंदर से ले लेना है। ये हमारा फ्रंट, तो ये देखिए ये हमें ऐसे रख लेना है। तो ये जो है ये हमारा फ्रंट है, और नीचे वाला बैक में अटैच करना है स्लीव के। तो इस यहाँ से हमें छोटे छोटे प्लीट्स गैदर करने हैं इस तरह से, ऐसे हमें स्टिच करना है। देखिए मैंने कर लिया है, अब हमें स्लीव को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारा ये फ्रंट, तो हमारी फ्रंट साइड आएगी। पहले से हमें ये देखिए प्लीट्स को हमें ऐसे लेते हुए सेंटर पे लेते हुए पिन अप कर लेते हैं। फिर दोनों साइड से हमें साइड का अटैच करना है, सेम इस साइड भी कर लेते हैं। तो ये हमने लगा लिया है, तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हमें यहाँ से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मेरी मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें साइड की फिटिंग करनी है, तो कपड़े को रॉन्ग साइड रखते हुए उल्टी तरफ से। जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए कट किया था, मार्क किया था 1.5 इंचेस, उसे हमें 1.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। तो ये देखिए हमें ऐसे स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। अब इसे हमें 1 फोल्ड और ये 2nd फोल्ड हमें स्टिच करना है चारों तरफ से। तो ये देखिए मैंने कर लिया है दोनों साइड से, और स्टिचिंग करते हुए देखिए एक साइड का थोड़ा सा ओपन रखिएगा कि हमें इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं। तो ये मैंने अपने गोलाई के हिसाब से लिया है 8 इंचेस स्लीव की गोलाई। इसे हमें ऐसे सेफ्टी पिन की सहायता से अंदर डाल लेना है। इसे आप चाहे तो सिलाई मशीन या हाथ से भी सिल सकते हो। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप। इसे हमें यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए ये देखिए ऐसे स्टिच कर लेना है पूरा। तो ये मैंने कर लिया है, अब हमें इसकी लेंथ लेनी है।
तो ये देखिए मेरा आ रहा है 25, तो इसकी हमें 50 रखनी है, डबल 25 का डबल 50 तो मैंने लिया है। और इसकी लेंथ है 18 इंचेस। अब इसे हमें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच करेंगे, तो अटैच करना है, तो ये हमारा 50 है, तो ये हमारा आएगा 100 उसका डबल। और इसका जो लेंथ है वो हमारा है 14 इंचेस। तो चलिए अब प्लीट्स देते हैं फर्स्ट रफल में, तो ये मैंने ले लिया है। इसे हमें ऐसे हाफ इंचे से प्लीट्स देना है और 1 इंचेस का गैप लेते हुए। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है 1 इंच का गैप देते हुए। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। इसे हमें देखिए ऐसे रखते हुए टॉप स्टिच कर देना है, देख सकते हो आप। अब सेकेंड डे अटैच करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, हाफ इंचेस पे प्लीट्स देना है 1 इंचेस का गैप देते हुए। तो ये देख सकते हो आप, ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, स्टिचिंग भी कंप्लीट की है मैंने और टॉप स्टिच भी कर लिया है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट लेयर अटैच किया था। अब हमें नीचे का डबल प्लीट करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सेम ये साइड का जो हमारा था ओपन, उसे भी डबल स्टिच करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने 2 डोरी रेडी की है। आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जाके आप देख सकते हो। ये देखिए हमें ऐसे इस दोनों को